फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे एंड आई विश आप सब बढ़िया बढ़िया ही रहो। सो ये ब्लॉग जो मैं अभी शूट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बज रहे हैं, आप देख सकते हो धूप भी है। मैं छत पे हूँ, मैं छत पे इसीलिए आई हूँ स्पेशल वीडियो शूट करने। ओके, जो आज का, और सॉरी यार अगर पीछे से वॉइस आ रही हो क्योंकि यहाँ पे छत पे हूँ, यहाँ पे ना आंटी लोग कचर 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 कर रही हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मतलब जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कंटिन्यू एग्ज़ाम है, लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे अपना एग्ज़ाम का टाइम इसमें देना पड़ा। आपको पता है, मतलब मैंने आपको बताया नहीं था आई थिंक, तो गरीब कन्याएं जो होती हैं, जो हमारा लाइक हम कास्ट, जो हमारा कास्ट है, तो उसमें एक पूरा समिति बनी होती है जो गरीब कन्याओं का एनजीओ टाइप चलाते हैं। तो गरीब कन्याओं का उसमें शादी है कल 30 नवंबर को, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग, जाहिर सी बात है हर शुभ काम की स्टार्टिंग आरती से होती है, तो उस आरती की स्पेशल थाली को डेकोरेट करने का काम मेरा है। सो अब अगर ये काम मुझे मिला है तो मेरा मतलब फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं। सो इस वजह से मैं सारा सामान ले आई हूं। चलो थाली को डेकोरेट करते हैं और प्लीज़ एंड तक बने रहना, बहुत यूनिक और अच्छा सा है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूं, आई होप कि अच्छा हो, तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं थाली डेकोरेशन। सो ये देख सकते हो, ये रही हमारी थाली। सो ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है, तो बाकी सारे काम साइड में रखते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी थाली है, ठीक है। तो अभी हम इसमें, मैंने 3 दो दिवालियाँ ले ली हैं इसमें, मैं सॉरी वाटर कलर जो है निकालूंगी, और मैं सामान भी कुछ ले आई हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। ये तो को जो मतलब स्टोन्स वगैरह हैं और वाटर कलर और प्लस बाकी भी स्टोन्स हैं, ग्लू है। तो सबसे पहले हमने पानी भी ले लिया है कटोरी में, तो आई होप यार सब अच्छा हो। मुझे बहुत डर लगता है जो फर्स्ट टाइम मैं वर्क करती हूँ, बंदर की अलग से टेंशन रहती है। तो इसमें 2 डिब्बी हैं वाटर कलर की। ओह शिट, इसमें तो येलो है ही नहीं है यार, बट गोल्डन है। एक ही डिब्बी है, ये काली भी आ गई यहाँ पे, यहाँ पर करने एक ही येलो है, मुझे लगा तो 2 हैं। सो चलो हम येलो, हमें येलो कलर का करना है। रेड करूँ या येलो करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो येलो करते हैं ना यार, कलर ना कम पड़ जाए मुझे ये लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने ब्रश नहीं है क्या? थैंक गॉड ब्रश है, क्योंकि चुपली भर का ब्रश है। सो इसको ऐसे ऐसे पेंट करना, बट यार ऐसे तो बहुत लग जाएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, राइट? तो उसको ऐसे पूरा येलो कलर का पेंट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पेंट तो मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया, बट स्टिल ये ना सही से चढ़ नहीं रहा था इस थाली में। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कलर चढ़ेगा नहीं, तो थोड़ा सा अलग शेड देने के लिए मैं इसमें ना रेड कलर भी ऐसे ऐसे कर दूंगी जिससे कि अच्छा लगे। और इतना आगे तक आ गए थे तो वेस्ट भी नहीं होने देते, मेहनत बिकॉज बनाना तो था ही, तो मैंने दिमाग लगाया और मतलब जो भी समझ में आया उस टाइम पे मैंने किया रेड। अब आप सब बताना कि आप क्या करते, बट मुझे ना सच में समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश अब खुद के लिए बना रहे तो ख़राब भी हो जाए तो चलो छोड़ भी सकते हैं, बट स्टिल वही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें जिम्मेदारी मिली है तो हम उसको अच्छे से करेंगे, भले टाइम जब हमारा जा ही रहा है तो हम उसको वेस्ट कैसे होने दे सकते हैं। तो मैंने आप जो भी मुझे समझ में आया उस टाइम, बस मैंने रेड कलर कुछ नहीं सोचा समझा, बस चला दिया बिकॉज थाली में चढ़ नहीं रहा था कलर, और शायद इसी वजह से मुझे तो इतना प्रॉब्लम हुई है। बट स्टिल अब आगे देखते जाओ क्या होगा। तो मैंने ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, बट ये फिर भी दिखने में थोड़ा सा मैशी मैशी लग रहा था क्योंकि वो ब्रश छोटा था ना और कलर लाइट वाले थे और थाली बड़ी थी, छोटी होती तो चल जाता। तो हम बना रहे थे, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग हो गया, तो मैंने क्या करा ना इसमें अपनी कलाकारी करी है, येलो कलर से लाइंस बनाई है। अब इसके अंदर मैं फिर से रेड कलर को फिल कर रही हूँ कि मतलब बनाना मुझे कुछ और था, बन कुछ और गया। सो लेट्स सी कैसा रहता है रिजल्ट। कलरिंग तो हो गई, बट फिर भी जितना अच्छा हम इसको दिखा सकते हैं उतना मैंने ट्राई किया, थोड़ा बहुत और शेड दे दिया जिससे कि परफेक्ट बैठ जाए, देखने में अच्छा लगे बस ख़राब ना लगे। सो फाइनली हमारी 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जो थाली है वो तैयार है। भाई देखो मैं बताऊँ, मेरी ड्राइंग तो अच्छी है बट आई एम नॉट अ गुड पेंटर, सो डिज़ाइन ना थोड़ी सी
मेन चीज़ है ना नॉर्मल वाले वाटर कलर है, आई थिंक इसमें जो आते हैं जो वाटर कलर कलर होते हैं ना वो अलग होते हैं, और भी जो बड़े बड़े डिब्बीज में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नाम नहीं आता रहा, बट यार ये नॉर्मल वाटर कलर थे और ब्रश इतना सा था, तो थाली में थाली बड़ी थी कलर ना फैल नहीं रहा था, डार्क पेंट वाले कलर आते हैं ना आई थिंक उसके लिए ये सूटेबल रहते हैं। सो बट ऐसा कुछ हमने तैयार कर लिया है अपनी थाली को, और साइड में यहाँ पे ऐसे से डिज़ाइन बनाई है, प्लस ये सिर्फ अभी कलर का वर्क किया है, ठीक है। अब हम इसमें करने जा रहे हैं स्टोन्स की वर्किंग, तो स्टोन्स के लिए हमारे पास ये स्टोन्स हैं और प्लस हमारे पास ये कलरफुल स्टोन्स भी हैं। पहले हम ये जो ट्रायंगल वाले है ना इनको लगाएंगे, बस अब ज़्यादा काम नहीं, मेन पेंट वाला ही काम था, तो बस फेविकोल लगा के सबको पेस्ट करना है। चलो एक तो यार कोई शूट करने वाला है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि वैसे कैसे पेस्ट करती हूँ, चलो हम दिखाते हैं आपको ऐसे ही, ठीक है। सो ये रहा, आई थिंक अब सूख गया होगा, और फेविकोल से हम स्टोन को लेकर पहले मैं साइड में लगाती हूँ। सो ये आप देख रहे हो जैसे ये दिख रहा है ना, तो मैं साइड्स में लगा देती हूँ उसके, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा मेरा मिरर, इस तरीके से हमें लगाना है सारे मिरर्स। मेन दिक्कत आती है ना वीडियो बनाने में, वीडियो तो रखा है बट हम कुछ चीज़ को अगर हम फोकस करके उस पर ध्यान दे रहे हैं तो फिर हमारा ध्यान कैमरे पे नहीं रहता है ना, तो वो चीज़ हम दिखा नहीं पाते, बट स्टिल मैं कैसे कैसे करके इस थाली को रख के दिखा रही थी ताकि आप सब भी देख पाओ मैं कैसे कर रही थी। स्टोन्स आपको पता है अगर थाली में हम लगाते हैं तो फिसलने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हाथ में लग जाता है फेविकोल वगैरह, तो फिर कैमरे पे फोकस करना और मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ इतने मेहनत के लिए सपोर्ट तो आपका बनता है ना, मैं बार बार भूल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने साइड में ना ऐसे जो ट्राइंगल शेप वाले लेंस थे मैंने इनको यहाँ पे करा, मुझे डर था फिसल ना जाए, बट कुछ कुछ लेंस फिसल भी रहे थे, बट स्टिल मैंने पेस्ट कर दिया उसको। साइड से तो ये सुंदर लग रहा था, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद ये देखो मैंने अंदर का पूरा स्टोन से भर दिया है, और इसके बाद ना मैंने ये लिया था स्टोन्स छोटे वाले जो पूरे एक साथ जॉइंट थे, तो मैंने इनको पहले जो अलग अलग फ्लावर टाइप में थे पूरा मतलब एक मिक्स था सर्कल, अलग अलग से मुझे नहीं बनाना पड़ा, फ्लावर शेप में थे, तो मैंने उनको निकाल के बीच बीच में साइड साइड में जहाँ अच्छा लग रहा था जगह बची हुई थी वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया, क्योंकि उस समय जितना भी क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं सबको यूज़ कर लेना चाहिए। देन मैंने क्या किया, सबसे बड़ी वाली ये लेयर्स थी ना, मैं इसका समझ नहीं आया था क्या करूँ, नीचे लगाऊँ आगे लगाऊँ, बट स्टिल फिर दिमाग में आया कि साइड में लगा देते हैं चारों ओर, तो एक दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, बिकॉज जो फ्रंट व्यू होगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में तो दिए रख ही जाएंगे, तो ओवरऑल ऊपर और नीचे से थाली अच्छी लगनी चाहिए साइड से भी। यहाँ पे मैंने ना साइड साइड में लेस, पहले डिज़ाइन देखो इसके पीछे ना मुझे बहुत टाइम लगा और बन ही नहीं रहा था, तो कलर ख़राब हो गया था, देन मैंने माइंड लगाया क्रिएटिविटी से दिखा दिखा के सारा कलर वगैरह सब मिक्सअप करके, देन मैंने अंदर का ये पूरा बनाया अपने दिमाग से, कुछ भी समझ में नहीं आया। साइड में मैंने गोल गोल स्टोन्स लगाए हैं, और यहाँ भी देखो आप साइड में देख सकते हो मैंने स्टोन्स लगाए हैं सारे, और ऐसे ही कलर से लाइनिंग कर दी है, और साइड में मैंने यहाँ पर बिंदी रखी है, ये जो आप देख रहे हो मेन ये सारे यहाँ पे जो बचे हुए थे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊँ, तो यहाँ लगाया, और इसके बगल में मैंने एक तिकोने वाले ट्रायंगल वाले स्टोन्स लगाए, और बीच में सिंपल की दिए अभी तो तैयार अभी तो सिर्फ थाली तैयार हुई है, इसके बाद अभी तो दिए हैं, आई थिंक दिए में कोई डेकोरेशन नहीं करते हैं, और बाकी जो दिए हैं मेन उसमें रखे जाएंगे, और दिए भी मैं डिज़ाइन वाले लाई हूँ तो वो रखे जाएंगे, देन फिर और भी होगा तो ये सब छूट जाएगा, इस वजह से मैंने साइड के डिज़ाइनिंग में फोकस ज़्यादा किया, क्योंकि आठ दिए होंगे इसमें तो जगह बचेगी नहीं, तो आई थिंक आपको अच्छी लग रही होगी मेरी आरती की थाली, इतनी मेहनत की है, कमेंट तो ज़रूर बनता है ना, प्लीज़ कमेंट कर देना।